हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निशा और हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी दो पार्ट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पूरब का जघन्य गलतियाँ। तो पूरब की क्या जघन्य गलतियाँ थी और ये पूरब है कौन? तो पूरब है हम, ठीक है। तो जब हम मैप को देखते हैं, मैप को अगर हम देखते हैं तो इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है साउथ। तो ये ईस्ट का भाग है, ये हम है, और जो वेस्ट का भाग है, जब हम बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न क्लोदिंग या पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, तो हम बात कर रहे हैं यूरोप की तरफ की कंट्रियों की, जिससे हम इन्फ्लुएंस्ड है। और इन्फ्लुएंस्ड इसलिए है क्योंकि 200 सालों तक इन्होंने हम पर शासन किया था। तो चलिए, जगह नहीं होने की वजह से इतने छोटे मैप पे मुझे समझाना पड़ा, लेकिन आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ें हो रही थी, तो उनके अनुसार हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी। जो पूरब की साहित्य है, पूरब का, जबकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। अब ये सारे पॉइंट्स में हम गलतियाँ देखेंगे कि इनके हिसाब से क्या गलतियाँ हैं और ये कितने ज़्यादा सुपीरियर, मतलब अपने आप को उच्चतम साबित करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर है, अवैज्ञानिक है, और इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, मतलब बहुत गलतियां हैं, इलॉजिकल है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बनता, और साइंटिफिक बात की ही नहीं गई है। तो इनके आधार से कि यह हमारा जो साहित्य है वो आधारहीन है, ठीक है। तो ये मानते थे, और इनका कहना था कि जो हाँ यूरोप की चीज़ें हैं वो बहुत ही तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस है, और हम ही सुपीरियर हैं। जो है भैया हम ही हैं और कोई नहीं है, इनका ये मानना था। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी पार्ट 1 में, जिसका अर्थ क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लें, कि जिसे एशिया के संबंधित बहुत सारे जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बहुत ही गहरा अध्ययन किया हुआ है, उनको नॉलेज है, और वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि भारत में हमारी ही संस्कृति को, हमारा ही जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको पढ़ाया जाए। तो एक तरफ क्या हो रहा है ना, टक्कर हो रही है। एक तरफ क्या है, ऐसे यूरोपीय ऑफिसर थे और विचारक थे जिनका सोचना था कि हम ही सुपीरियर है और हमें हमारी चीज़ों को, हमारे लिटरेचर को भारत पे पढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो थे वो प्राच्यवाद थे और उनका थॉट था कि यहाँ के लोग जो है वो यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको, इन्हीं का इतिहास पढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा कि ये उसको जल्दी एक्सेप्ट भी करेंगे और हम इनके दिल में जगह बना पाएंगे। तो दोनों के बीच टक्कर होती और जीत होती है यूरोप की संस्कृति की, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये टक्कर किस तरीके की होती है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टक्कर को देखने में। तो इनका प्राच्यवादी दृष्टिकोण का ऊपर बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगती है, डिस्कशन होने लगता है, कि जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं, तो वैसे ही डिस्कशन होता है, आलोचना होती है, और इसकी कटु आलोचना कौन करता है? तो जेम्स मिल, ये थोड़ा राक्षस किस्म का इंसान होता है, और इसको कहना रहता है कि भैया ये सब फालतू का क्यों करना है, जब हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग हर टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम इन पे शासन कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ें, हमारा साहित्य इस पे यहाँ पर पढ़ाना चाहिए भारत में, ना कि इनके फालतू के सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, फालतू का साहित्य पढ़ाना चाहिए, इनका मानना ये था, ठीक है। और इनका साथ देने वाले थे थॉमस बैबिंगटन मैकाले। तो मैकाले जी का नाम लेते हैं, तो ये बहुत प्रसिद्ध विचारक थे, और इनका मानना था 1830 में इन्होंने कहा था कि भारत असभ्य है, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, और इन्हें सभ्य बनाने का एक ही रास्ता है, वो है अंग्रेजी। ये तो हम देखिए, ये 2 सालों का प्रभाव है कि 2 सालों में अंग्रेज़ों ने इतना शासन किया कि आज भी ये हमारे सोसाइटी में दिखता है कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाला माना जाता है, बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है, वहीं पर अगर किसी को हिंदी आता है तो वो मतलब गंवार है। इस तरीके की लॉजिक और इस तरीके का जजमेंट आज भी हमें देखने मिलता है, क्योंकि ये वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है, हम लोग, हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न को, ये सच है, ठीक है। और ये 2 सालों में जो उन्होंने शासन किया वो उसी का प्रभाव है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी और इनको सभ्य बनाना था हमें, और सभ्य बनाने के लिए इनको यही रास्ता दिख रहा था जो था वो यूरोपीय साहित्य।
संस्कृत भाषा और साहित्य में ये पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे, बोल रहे थे कि ऐसी प्राच्यवादी धारा प्राच्यवादी विचारधारा को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसमें एक कौड़ी एक पेनी खर्चा नहीं करने वाले, हम सरकार जो है गवर्नमेंट इसको पैसा खर्च नहीं करेगी क्योंकि जब हमारी चीज़ें लागू होंगी तो हम पैसा खर्चा करेंगे जिसमें हमारा बेनिफिट है। अब आप सोचते होंगे कि शिक्षा एजुकेशन में तो ये तो हमारा भला कर रहे थे तो इसमें इनका क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है देखिए यूरोप के जो लोग थे या फिर इंग्लैंड के जो लोग थे जो हम पे शासन कर रहे थे बिना मतलब कि वो कोई चीज़ नहीं कर रहे थे और इनका मेन मोटिव था बिजनेस, और इससे बिजनेस होगा कैसे आप ये थोड़ा देर बाद समझ जाओगे। तो क्या होता है कि 1830 में प्राच्यवादी विरोध होता है बहुत तीखे रूप में, अब होता है एकदम से टक्कर कि अब जो लड़ाई जीत जाएगा वैसा वाला, तो तीखा रूप से विरोध होता है और जीत जाती है जो यूरोप के सपोर्ट में होता है कि यूरोप की शिक्षा यहाँ पर पारित होनी चाहिए। उनका राय होता है कि व्यवहारिक ज्ञान जो है यूरोप का साहित्य और इंग्लैंड को कंपेयर किया जाए तो कहीं भी पूर्व का जो साहित्य है वो इंग्लैंड के सामने टिक ही नहीं सकता, इन दोनों का टक्कर ही नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें थी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए, मैकाले का कहना था कि अगर किसी भी यूरोप के अच्छी सी लाइब्रेरी का एक जो शेल्फ होता है ना उसके बराबर पूरा पूरब का जो साहित्य है वो उसके बराबर का होगा या फिर वो उसके काबिल भी नहीं समझते होगे, इतना उन्होंने जगह दे दिया यही बहुत काफ़ी हो गया हम लोग के लिए। मतलब सोचिए उन्होंने अपने आप को कितना सुपीरियर दिखाया कि अरब का जो साहित्य है हमारे भारत का जो साहित्य है वो उनके एक शेल्फ में समाहित हो जाएगा, मतलब ये इलॉजिकल बात है मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरीके से ये अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे थे। अंग्रेजी ज्ञान से भारतीय दुनिया के श्रेष्ठ किताबों को पढ़ सकते हैं, श्रेष्ठ साहित्य को जान सकते हैं, इनका मानना यही था। तो क्यों पढ़ाना है यहाँ का संस्कृत वगैरह ये सब चीज़ नहीं पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है अंग्रेजी, इन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ी के वजह से हमारे समाज में ही खुद मतभेद हो गया कि जो अंग्रेज़ी बोलने लगा, जो वेस्टर्न कल्चर शर्ट पैंट और बूट पहनने लगा तो वो क्या बन गया, बाबू, और जो धोती कुर्ता पहन के हिंदी में नॉलेजेबल था वो बन गया गवार। तो अपने ही समाज में अपने भाइयों के बीच ही डिफ्रेंशिएट होने लगा था और ये कमज़ोर करने लगे थे। और इनका मेन मोटिव क्या था बिजनेस का, आप ये देखिए, ये सभ्य बनेंगे, मतलब हम भारतीय अंग्रेजी पढ़ के सभ्य बनेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हमारी रुचियाँ बदल जाएगी, हमारा इंटरेस्ट बदल जाएगा, हमको धोती की जगह पैंट पसंद आने लगेगा और कुर्ते की जगह शर्ट पसंद आने लगेगा, हम इंग्लिश बोलेंगे और हमारा उठना बैठना जो होगा चेयर टेबल पे होगा ना कि नीचे, तो एकदम वेस्टर्न कल्चर जो होगा वो हमारी इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी संस्कृति भी बदल देंगे, तो मतलब ये चाहते थे हमारा पूरा टेस्ट बदलना और उस टेस्ट को डेवलप्ड करने के लिए जब हम वैसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो उनके प्रोडक्ट बिकेंगे हमारे भारत में। आज भी ये चीज़ होती है और क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आईसीएसई बोर्ड का बुक्स, तो आप आईसीएसई बोर्ड के बुक को बुक का लिटरेचर वाला पार्ट जो है वो उठा के देखिए तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा पता है, आपको वहाँ पर जो नाम दिखेंगे वो विलियम जॉन्स इस तरीके के अंग्रेजी नाम दिखेंगे, ना कि वहाँ पर राम श्याम मोहन दिखेगा। और जब वहाँ पर जगहों की बात होगी तो वहाँ पर स्प्रिंग का मौसम है, बर्फ गिर रहा है और वेस्टर्न देशों की कंट्रियों की बात की जाएगी, ना कि इंडिया के जगहों की बात की जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चे के दिमाग पे ये चीज़ होगा कि वेस्टर्न जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उनका बचपन से सपना हो जाएगा वहाँ जाके रहने का, वहाँ जाके चीज़ों को सीखने का, क्योंकि उन्हें ये बचपन से ये माइंड में डाला गया है। तो आप समझ रहे हो ना कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे माइंडसेट में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ये चाहते थे कि ये एनवायरमेंट ऐसा बना दे कि हम सारी चीज़ें वेस्टर्न की कॉपी करने लगे और उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगे और जिससे वो बहुत अच्छा खासा बिजनेस करने लगे। आगे हम इसी के पॉइंट पढ़ेंगे जो बिजनेस के लिए शिक्षा होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रुचियां तो हमारी बदल गई, उसके बाद जो होता है मैकाले के मिंस विवरण में, ये मैकाले का मिंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें 1835 में क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा
जो अधिनियम है वो पारित होता है और अब किताबें छपने लगती है। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कभी भी किताबों का पढ़ने का चलन नहीं था। हम मौखिक भाषा बोलते थे और मौखिक भाषा से पढ़ते थे, हाथों के काम सीखते थे। जैसे हम टेक्निकल काम को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते थे, जैसे कुम्हार है या बुनकर है या खेती करने वाला इंसान है, वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा के जाता है कि अगर वो उसको कुछ हो गया तो उसके बच्चे वो हाथ का काम करके खा पी सकेंगे। जो आगे चलकर रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि ऐसी ही हमारी शिक्षा होनी चाहिए, इसको बदलना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। थ्योरी बेस्ड जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ उपहार था उसको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में थैंक गॉड ये चीज़ें आ गई, जिससे स्टूडेंट को बहुत सारे चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे वो टेक्निकल नॉलेज लेकर अपना पढ़ाई कंप्लीट होते होते कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि किताबें पढ़कर इंसान काम नहीं सीख सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता में जो मदरसे बने, आपने पढ़ाई उससे पहले, तो कलकत्ता में जो मदरसे बने, बनारस की जो सांस्कृतिक विश्वविद्यालय थे, ये सारे जो संस्कृत विश्वविद्यालय थे, ये सारे जो थे उसको, इनको किस नाम से दिया गया, तो अंधेर मंदिर के नाम से संज्ञा दी गई, क्योंकि यहाँ पर सीखने लायक कुछ नहीं है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता वो भी बंद हो गया था, क्योंकि ये प्राच्यवादी विचारधाराओं पर आधारित था, क्योंकि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए हों, और अंग्रेज किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से भी बिजनेस को इम्पोज करना चाह रहे थे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच।